साउंड के नमस्ते सत श्री अकाल, मैं शादी खान और मेरे साथ मौजूद है सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। जी तो दोस्तों, आज फिर हम अपने एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडियन बिकम्स नंबर वन फूड सप्लायर अरब नेशन। बहुत ज्यादा बड़ी बात है, 15 साल के बाद हमको ये नंबर वन का स्पॉट मिला है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीयूष गोयल साहब की ट्वीट है, फूड एक्सपोर्ट्स ऑन द राइज, इंडिया सरपासेस ब्राजील एज नंबर वन फूड सप्लायर टू अरब नेशंस आफ्टर 15 ईयर्स। ब्राजील को हमने पीछे छोड़ा है। अच्छा। और इस बारे में दुनिया भर में बात की जा रही है कि कैसे अरब कंट्रीज जो दुनिया भर को क्रूड ऑयल सप्लाई करती है, वो अगर किसी कंट्री पर निर्भर है फूड के लिए, क्योंकि याद रखिएगा एक बार को आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा आप चल लोगे, मगर खाली पेट आप बैठ भी नहीं पाओगे। तो फूड के मामले में इंडिया के एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, और जो अरब वर्ल्ड है इसकी मार्केट को कैप्चर करना, मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हालांकि कैप्चर वर्ल्ड अभी काफ़ी हैवी है, कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हम लोग नंबर वन फूड सप्लायर बन गए हैं कई कंट्रीज के लिए। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और इस बारे में इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने ये नोटिस किया कि ब्राजील का मीडिया भी बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे द रियो टाइम्स ब्राजील का न्यूज आउटलेट है, ये लोग भी कह रहे हैं इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है ब्राजील को। तो ये एक ट्रूली ग्लोबल अचीवमेंट है, साउथ अमेरिका से लेकर अरब कंट्री से लेकर एशिया में हर जगह इस बारे में चर्चा की जा रही है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज ऑफ फूड इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड या फिर नन ऑफ दीज? कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि आपने जो भी आर्टिकल्स देखे होंगे वहाँ पे लिखा है कि अरब कंट्रीज को हम अब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड। अब पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर की बात नहीं कर रहे। आप अगर इन डिटेल पढ़ोगे आर्टिकल को तो वहाँ पर लिखा होता है द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ये नक्शा एक्चुअली गल्फ कंट्रीज से भी बियॉन्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अरब लीग। अरब लीग में टोटल 22 देश आते हैं। हालांकि सीरिया को आज के समय सस्पेंड कर रखा है लोगों ने, मगर आप इमेजिन कर सकते हैं पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका, फिर यहाँ पर पूरा जो ये गल्फ रीजन है, हर जगह हम लोग आज के समय सप्लाई कर रहे हैं फूड। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कंट्रीज की लिस्ट है, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सूडान, सऊदी अरेबिया, यूएई, मेजर कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। और बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि अरब लीग के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। तो इन ऑल 22 देशों में नंबर वन फूड सप्लायर बनना, ब्राजील को पीछे हटाना, ये बहुत बड़ी बात है। और हिस्टोरिकली वैसे आप अगर देखो तो 2000 से लेकर 2005-06 तक हमारी ही डोमिनेंस थी इन सब कंट्रीज की फूड मार्केट में। हम लोग इनको ऑनियंस, वीट, राइस, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते थे। बाद में हमने ये देखा है कि धीरे धीरे ब्राजील हमसे आगे निकल गया, मगर रिसेंटली देखो जिस तरीके से COVID-19 की मिसमैनेजमेंट हुई है ब्राजील में, उस वजह से हुआ क्या है कि ब्राजील यहाँ पे आप देख पाओगे ये ब्राजील है, आपको एक अलग से मैप दिखा दूंगा थ्रू एनिमेशन। तो ब्राजील ने एक टाइम पे क्या किया था, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया था, ये लोग सप्लाई करते रहे फूड यहाँ पर अफ्रीका को, प्राइमरली वेस्टर्न अफ्रीका को। उसके बाद थ्रू रेलवे कॉरिडोर ये जो फूड है ये पहुँच रहा इजिप्ट में, इजिप्ट से बहुत ही आसानी से सऊदी अरेबिया, और इस तरीके से ब्राजील का जो नेटवर्क है ये काफी स्ट्रांग हो गया था। मगर इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है कि यूएई के साथ अपनी पार्टनरशिप बहुत ज़रा इंक्रीज करके अपने जो एक्सपोर्ट्स है पूरे अरब वर्ल्ड में थ्रू यूएई बहुत ज़रा बढ़ा दिए। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ इस पूरे काम में जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्रिटिकल रोल रहा है, और इस वजह से अब इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं इन्होंने कुछ हद तक पीछे कर दिया है ब्राजीलियन एक्सपोर्ट्स को। हालांकि मैं ये ऐड कर दूं कि जब COVID-19 पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा, कंट्रोल में कब आएगा भगवान जाने, अभी 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, मगर जब ग्लोबल सप्लाई चेन वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी तब ब्राजील फिर से बहुत ही कड़ी टक्कर देगा हमको। तो नीड अभी के लिए ये है हमारे लिए कि जो मोमेंटम हमने पकड़ लिया है उस मोमेंटम को बना के रखना है, और अगर इस पूरे रीजन में इंडिया की डोमिनेंस रहती है तो याद रखिएगा ये इंडियन एक्सपोर्ट्स की ब्रांडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे आप अगर देखो तो ज्योग्राफिकली हमको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता ही है, क्योंकि आप अगर अरब लीग को देखो ना, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, मगर हम और आप दोनों जानते हैं
कि अरब लीग का जो कोर इकोनॉमिक बेस है, जो मेन यहाँ पे डोमिनेटिंग रीजन है इकोनॉमी के हिसाब से, ये तो है गल्फ कंट्रीज का। और गल्फ कंट्रीज के जरा करीब कौन है, इंडिया या ब्राज़ील? ऑब्वियसली इंडिया है, तो इंडिया को ही यहाँ पर डोमिनेट करना चाहिए और हमको बस यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता है जिससे हमारे फूड एक्सपोर्ट ज़्यादा आसानी से इवन अफ्रीका का जो साहेल रीजन है यहाँ पर ही पहुँच पाए। और उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया और भी बड़ा रीजन यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा, इंडिया की जो फूड एक्सपोर्ट की मार्केट है ये और ज़रा विस्तार करेगी और इससे देखिए फ़ायदा हमारे किसानों को ही होगा, फ़ायदा सरकार को भी होगा, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशी मुद्रा आपके देश में आती ही है। और कितनी विदेशी मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, देखिए ब्राज़ील के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं टू द अरब लीग जी, इनकी टोटल वैल्यू बताई जाती है $8 बिलियन के आसपास। हमने ब्राज़ील को कुछ मार्जिन से ही बीट किया है। आज के समय जो टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है ब्राज़ील के टू दी अरब कंट्रीज, ये 8.15% पे हैं, हमारे 8.25% पे है। तो आप कह लीजिए हम लोग भी $8 बिलियन की जो विदेशी मुद्रा है अपने देश में ला रहे हैं ये एक्सपोर्ट्स करके। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि इंडिया वैसे एक्सपोर्ट करता क्या है, फूड की मतलब डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, क्या हम यहाँ पर पैकेज आइटम्स बेचते हैं? देखिए पैकेज आइटम्स अगर बेचते होते तो हम 8 बिलियन नहीं $80 बिलियन कमा रहे होते। हमारी देश की मैं यही कहूँगा कि सैड बात यही है, ब्रांड्स अभी इतने बने नहीं हैं हमारे। हम लोग कच्चे आलू प्याज गेहूँ ये सब एक्सपोर्ट करते हैं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर असली तरक्की देश में तब होगी जब इंडिया में ऐसी कंपनीज बने जैसे पेप्सिको है, कोका कोला है, वो लोग सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक एक्सपोर्ट नहीं करती दुनिया भर में, उनकी और भी वेरियस आपको दिखेंगे प्रोडक्ट्स, चिप्स आते हैं उनके, कुकीज़, दुनिया भर की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। और अब तो खैर वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई हैं, दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन करते हैं, फिर और ज़्यादा मार्केट कैप्चर करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है, यहाँ पे अगर हम कुछ थोड़ी बहुत तरक्की कर पाए फिर आप देखिएगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स रातों रात कितने ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी के लिए अगर हम देखें वैसे तो जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं हमारे प्राइमरली टू दी अरब कंट्रीज में आपको मिलेगा बोनलेस मीट, नट्स, फ्रूट्स, प्याज, शुगर हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी आइटम्स हैं कंट्री बाय कंट्री जो यहाँ पे प्रायोरिटी है चेंज होती रहती है, मगर प्राइमरली इन आइटम्स का एक्सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा फ्रॉम इंडिया। और वैसे अगर हम बात करें टोटल ट्रेड की तो जो ये अरब लीग कंट्रीज हैं 22, इनके साथ जो हमारा टोटल ट्रेड होता है इसकी वैल्यू 120 से लेकर $110 बिलियन है। और ये इन द फ्यूचर बहुत ज़रा बढ़ जाएगा और इसके पीछे भी मेन रीज़न होगा इंडिया यूएई ट्रेड। इंडिया यूएई ट्रेड आपको पता होगा इन द फ्यूचर बहुत ज़रा बढ़ने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की डोमिनेंस आपको सिर्फ ये जो अरब लीग है यहीं पर मिलेगी। रिसेंटली ये भी देखा गया 2020 के डेटा के हिसाब से, ये डेटा वायदा पे आया है फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये बताया है कि फूड एक्सपोर्ट्स के मामले में, एग्रीकल्चरल फूड एक्सपोर्ट्स के मामले में इंडिया टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। इंडिया की रैंक अभी 9th इन्होंने बताई थी इनके डेटा के हिसाब से। और वैसे आप अगर देखो दुनिया भर में, ये बाय द वे डेटा आपके सामने यूएन का है, बहुत सी चीज़ें हैं आज के समय जहाँ पर इंडिया या तो नंबर 1 या तो नंबर 2 एक्सपोर्टर आपको मिलेगा, चाहे वीट हो, कॉटन हो, ज़रूरत बस यही है कि हम लगातार मार्केट्स एक्सप्लोर करते रहें और चाइना, ब्राज़ील, यूएस ऐसी जो कंट्रीज़ हैं इनसे कम्पीट करें। तो अभी तो देखिए शुरुआत है, इन द फ्यूचर कई कंट्रीज़ को बहुत से और रीजन में भी बीट करेंगे एंड इंडियाज एक्सपोर्ट्स विल कंटिन्यू टू राइज। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर जो मैंने आपसे पूछा था कि भारत में जो भी प्रोक्योरमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खाने का स्टोरेज होती है, ये कौन सी एजेंसी संभालती है, इसके लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? तो सही उत्तर यहाँ पे है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे मगर ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही आती होगी ना, तो इसका आंसर है नहीं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। तो अच्छा। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए लाइफ में एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज आप चूज कर सकते हैं। और ये सारा कॉम्बो पैकेज अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो 15,000 रुपीज़ आपके सेव होंगे। अगर आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अन अकेडमी यू विल हैव टू पे अ लॉट मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आपको अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आप 24 महीने या फिर जो 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं अटेम्प्ट, ताकि आप विद प्रॉपर प्रिपरेशन अटेम्प्ट कर पाएँ यूपीएससी एग्ज़ाम को। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी हैं इन कोर्सेज के, पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल। जी सर। जी दोस्तों, आपने देखा इतना जबरदस्त ये भी नंबर वन। मैं कहती थी ना डॉक्टर साहब कि आपको पता है इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी खाने होते हैं। दिल चाहता है कि बस खा लिया जाए। तो फूड में भी अच्छा, बिल्कुल तो फूड में भी आपको पता टॉप कर रहा है इंडिया। हाँ, तो उसमें फूड में टॉप यूं कर रहा है कि जैसे आलू प्याज लहसुन अदरक जो भी फूड की आइटम है वो पहले ब्राजील से लेते थे, पहले उगाते हैं। हाँ, फिर वो बेचते एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखें, एक्सपोर्ट करने का भी एक तरीकेकार होता है ना। पहले ब्राजील जो है ना नंबर वन पे था, और पूरे अरब कंट्री में जो ब्राजील से जाती थी, और अब जो है ना इंडिया से जा रही हैं। और वो एक वजह उन्होंने बताई कि भाई उसकी एक ख़ास वजह ये थी कि यूएई से जो है अच्छे ताल्लुकात हो गए, दुबई वालों से अच्छे ताल्लुकात हो गए। जब डायरेक्ट दुबई चला गया और वहाँ से जो ना करीब है अरब ममालिक, तो बाय ट्रांसपोर्ट जो है ना उसमें जो ना उन्होंने पीछे रह गया, इंडिया जो है उसको लीड कर गया। बिल्कुल, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। तो उन जिन मुल्कों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो सहूलत मिलती है उसको वो लेते हैं। हाँ, देखो ना सिमल के कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अपना नेपाल, ये जितनी ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर ज़रख़ेज़ एशिया में जो है जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ है। इसमें जो है सब्ज़ियाँ उगती हैं और जो दालें उग जाती हैं, चावल, राइस का बहुत बड़ा जो है माना ज़रात होती है। अच्छा, बाकी अरब ममालिक में क्या है, उनके पास तो सिर्फ पेट्रोल है, बाकी तो सारी बंजर ज़मीन है, रेतीले टीले हैं, हरियाली नहीं है, कुछ भी नहीं, हरियाली नहीं है। तो अब तो कई उनके पास तो वो दरख्त भी नहीं थे, वो भी दरख्त जो है ना बाद में उन्होंने लगाए, तो जाके थोड़ा बहुत हरा भरा हुआ है, अदरवाइज जो है ना बिल्कुल ही बंजर ज़मीन थी और ज़मीन है बल्कि। और पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ये एशिया से जो है ना काफ़ी सारे फ्रूट अच्छी एक और A1 क्वालिटी के जो फ्रूट है वो हम भी नहीं यहाँ खा पाते, नहीं खा जो यहाँ से जो है ना एक्सपोर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसी बाहर तरह चले जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह जो है ना इंडिया से भी और ये अपना बांग्लादेश से भी, तो जो करीब पड़ता है जिन लोगों को जो सहूलत मिलती है उनसे बोल लेते हैं, तो इसमें कोई एक्सपोर्ट करते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें भी यही है कि इंडिया जो है ना टॉप वन पोजीशन पर आ गया है फूड में, कि जो है काफ़ी सारा जो है सामान इंडिया से जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। और इससे पहले मैंने नितिन गडकरी की जो है ना एक वो मैंने वो देखी थी वीडियो, उसमें उन्होंने यही था कि उन्होंने जो है अपना किन्नू जो था ना ऑरेंज, वो एक्सपोर्ट किया था, पता नहीं कितने करोड़ डॉलर जो है ना उनको जो है ना बचे थे। तो इसी तरह अपना पाकिस्तान से भी जाता है और इंडिया से भी जाता है। तो इंडिया जो है इस बात में भी जो है सबकत हासिल ले गया कि उनकी जो रिलेशनशिप मिल के काम करता है। हाँ, रिलेशनशिप जो है ना, आप ये देखो ना दुबई में जो रिलेशनशिप है उनकी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि वो वहाँ से जो है तमाम डायरेक्ट। हालांकि और भी अदर्स कंट्रीज भी हैं, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है, सारे लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इंडिया को जो है प्रेफर करते हैं कि भाई ये जो है हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, तो अदरवाइज़ जो है उनको ये इसका भी एक बेनिफिट मिल गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडिया जो है फूड में भी नंबर वन है, नंबर वन और बड़ा अच्छी बात है। लाजमी जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जो अच्छे काम करेगा उसी की जीत होगी। हमें इस बात की खुशी है कि एशिया से जो है लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जो यूरोपियन ममालिक हैं वो हमारी इन चीज़ों के लिए भी तरसते हैं, वो उनके पास नहीं है लेकिन यहाँ से जाती हैं चीज़ें, उसके अगेंस्ट में उन ममालिक में जो है वो पैसे आते हैं और उससे जो है ना वो अपनी तरक्कियाँ कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि मोदी जी की पॉलिसी, उनके पास जो टीम वर्क है, टीम वर्क अच्छी, ठीक है ना, खारजा पॉलिसी अच्छी। खारजा पॉलिसी का तो आपको पता ही है कि वजीर खारजा का काम ही यही होता है कि लोगों से मिलना जुलना और बात करना, मामला जाना सीधे करना। हाँ, तो इसकी एक खास वजह ये है कि खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, वजीर खारजा उनके बहुत अच्छे हैं, मतलब मुल्कों से, ये तमाम मुल्कों से जाके जो ना अपना एक अच्छे ताल्लुकात करना और अपनी चीज़ों को दिखाना, उनकी चीज़ों को देखना, माना अपनी दिखा दी, बेच दी, उनकी देख ली तो वो ले ली, इस तरह करके जो ना तमाम चीज़ें जो है ना वो एक्यूलेट चल रही है। और मोदी जी को इसका क्रेडिट जा रहा है कि भाई उनके होते हुए जो है ना 7 सालों में इन्होंने जितनी तरक्की की है, किसी और गवर्नमेंट ने, आने वाली किसी और गवर्नमेंट ने कभी इतनी तरक्की नहीं करी। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम डिस्कस करें कि वो सही नहीं हुई? एक चीज़ तो एक से बढ़कर तो, एक है। बिल्कुल। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि यूरोप में जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेसी के हिसाब से चल रही है, जैसे वहाँ पर भी होगी तो यहाँ पर भी आ गई। अभी देखें ना कि ये अपना बुलेट ट्रेन भी बनाने जा रहे हैं, तो दुनिया के पास है, इनके पास भी आ गई। तो तमाम चीज़ें जो है अपनी कंट्री के लोगों के लिए जो सहूलियात जो है दे रहे हैं, और इसकी जो खास बात थी वो मैंने बताई कि खारजा पॉलिसी, मोदी जी की प्लानिंग, मोदी जी के साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका। और दोस्तों, आपको तो पता ही है
आप तो वहाँ रहते हैं और आपको पता है कि मोदी जी के जो काम है वो किस वजह से कामयाब हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और बस इसके साथ ही सिमल का एक मैसेज है वो आप देखें। मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।